नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये वीडियो मैंने आज निफ्टी पर बनाया है, और अगर आपने लास्ट वीक का मेरा निफ्टी का वीडियो देखा नहीं है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 7 अक्टूबर एक इम्पोर्टेंट इचिमुकु का टर्न अराउंड डेट था, जहां पर हमने एक स्विंग लो बनाया था 7th को। और मैंने बताया भी था कि 16 और 18 के बीच में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इचिमुकु डेट है। तो ये रहा फ्राइडे 18 तारीख वाली कैंडल, आप देख सकते हो। इसमें एक अच्छा सा हमें ग्रीन कैंडल मिला। पूरी मार्केट को लगा था जैसे उस फ्राइडे मॉर्निंग की गैप डाउन है और सर्वनाश हो जाएगा। बहुत लोगों को लगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट को लेके डूबेगा, और मार्केट ने उसको वहां से घुमाया। एट द सेम टाइम बेरिश सी हॉर्स पैटर्न भी था हार्मोनिक का, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था लास्ट वीडियो में कि जब तक 7th का लो ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस 24,700 या वो सी हॉर्स वाला पैटर्न 24,750 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक इस मार्केट में इस समय बेरिश होना इज सही नहीं होगा, बिकॉज एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में मार्केट ओवरसोल्ड था। और कल हमने एक वही उसी टाइप का एक पुल बैक देखा। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट एक अभी याद रखिए, अब इस लेवल पर जिस तरीके का ये ओवरसोल्ड मार्केट था, उतना ओवरसोल्ड अब नहीं है मार्केट। उतना ओवरसोल्ड नहीं है, थोड़ा, बट उतना डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे मार्केट। और अब अगर बाय चांस कोई सेलिंग प्रेशर आती है मार्केट में, तो इस बार नहीं रुकेगा ये वाला लेवल, उसको लेके डूबेगा नीचे की तरफ। तो वो मैटर याद रखिएगा। अब हम उस टेरिटरी से निकल गए ना, अब हम ओवरसोल्ड है ना, हम कोई भी एंगल से ओवरबॉट तो बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा आप संभल के रहना चाहिए। और उसका कारण ये है क्योंकि जो जितने सेक्टर वाले चार्ट्स हैं, हाँ, उनमें एक्सेप्ट फॉर आईटी और फार्मा को हम छोड़ दें एक बार, तो ये दोनों सेक्टर छोड़ के बाकी सब सेक्टर के चार्ट्स में डाउनवर्ड प्रेशर आई है। अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का ब्रीच हुआ है डाउनवर्ड साइड में, जो नॉर्मली एक अप ट्रेंड में हमें नहीं दिखना चाहिए, इस बार वो दिखा है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो निकल के आई है, जो अभी तक हमने हैवी वेट्स के रिजल्ट्स देखे हैं, आईटी जो जिसमें प्रैक्टिकली हर एफआईआई बुलिश है और जिसने मार्केट को संभाल के रखा है इतने महीनों से, उसके रिजल्ट्स डिसअपॉइंटमेंट आया, टीसीएस के, इंफोसिस के, विप्रो के, और मार्केट ने उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होते हुए देखा है आईटी में। तो जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, वो सेक्टर के नंबर्स ठीक नहीं आए। और एट द सेम टाइम बैंकिंग के नंबर, एक्सिस का नंबर थर्सडे रात पोस्ट मार्केट आया, एचडीएफसी का आज आया, उनके नंबर अच्छे आए हैं, अबव एस्टिमेट या इनलाइन आए, खराब नंबर्स नहीं आए हैं। जो बट बैंकिंग जो सेक्टर रहा है हमारा, वो कंप्लीट अंडर परफॉर्मर सेक्टर रहा है, और उधर से हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इसका क्या इंपैक्ट होगा निफ्टी पर, पहले ये सोचिएगा बिफोर आप डायरेक्शन ट्रेड लो। क्योंकि अब आज एचडीएफसी और कोटक के नंबर आ गए, नेक्स्ट वीक आईसीआईसीआई और इंडस के भी आ जाएंगे, एक्सिस के ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर एसबीआई का नंबर आएगा। तो अगर एक सेक्टर आईटी जो लीड कर रहा था मार्केट को कि नंबर्स डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उनमें हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा, कोई एकदम जबरदस्त ऐसा नहीं कि पूरा माल छोड़ दो, सैलाब आ गया, उस टाइप का नहीं हुआ है। और एट द सेम टाइम बैंकिंग इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग में हमने बहुत एक अर्जा हो गया, उसमें हमने देखा कोई एक रैली आते हुए, तो एक बैलेंसिंग हो रही है निफ्टी में, या सेक्टर शफल हो रहा है निफ्टी का। ये ध्यान में रखिए कि मार्केट जो डायरेक्शन निफ्टी लेगा, उस पर इन दो सेक्टर का वेटेज बहुत होता है। और तीसरा हुकुम का इक्का जो है हमारा रिलायंस। रिलायंस ने लास्ट कुछ महीनों से डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ा था। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे तो कुछ ऐसा चार्ट है उसका, टॉप से एकदम यहाँ ऐसे गिरता हुआ चार्ट है। बट वेडनेसडे को रिलायंस ने एक पियर्सिंग कैंडल बनाई है, बुलिश पियर्सिंग कैंडल, और ये कैंडल का उसने थर्सडे को, जिस दिन मार्केट वीक था, उस दिन पियर्सिंग कैंडल के ऊपर बंद हुआ, और फ्राइडे को भी
सस्टेन कर रहा था। तो मतलब इतनी हैवी सेलिंग जो रिलायंस में पहले से हो चुकी है, वो अब शायद एक पुल बैक बोलिए, रिवर्सल बोलना बहुत अर्ली है वर्ड का, पुल बैक आप बोल सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी चला गया है। पुल बैक दे सकता है या साइडवेज कंसोलिडेशन, कोई ट्रायंगल जैसा कुछ कर सकता है इतने बड़े फॉल के बाद, वो कर सकता है, या बैंकिंग में भी एक पुल बैक आ सकता है। तो दो हैवी वेट निफ्टी के, दो हैवी वेट रिलायंस और पांचों बैंक कोशिश करेंगे कि ट्रेंड को होल्ड करने का। और सामने से आईटी का जो रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, आज टेक महिंद्रा का भी नंबर्स है, तो वो क्या करेंगे आगे वाले दिनों में ये देखना है। तो इम्पैक्ट निफ्टी का क्या होगा वो हमें उस हिसाब से देखना चाहिए और उसी हिसाब से आगे का असेसमेंट करना चाहिए। चलिए इसका एक बार हम आवरली और 15 मिनट भी चेक कर लेते हैं। आवरली 15 मिनट्स और ओवरऑल नेक्स्ट इचिमोकू डेट बताने के पहले आप सभी को बता दो कि मेरे कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। आपको इनमें एक एक टॉपिक में डिटेल में वीडियोस मिलेंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इचिमोकू और हार्मोनिक्स में, जो आपको कंफर्टेबल रहे। साथ में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के भी वीडियोज है, और बहुत सारे टॉपिक्स में एक एक वीडियो मैं मैंने अलग एक एक सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग वीडियोस 20-25 मिनट के वीडियोस में बनाए हैं, प्रॉपर चैप्टर्स प्रॉपर पार्ट में करके और फिर कंबाइंड करके समझाया है हर टॉपिक को। बुलिश सिनेरियो, बेयरिश सिनेरियो, साइडवेज मार्केट, ब्रेकआउट, रिवर्सल, कंफर्मेशन, रिस्क रिवॉर्ड सेटअप्स और ओवरऑल बहुत सारे इनपुट्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स में इंटरेस्ट हो और कुछ सीखना हो कि इचिमोकू का हम डेट कैसे पकड़ते हैं टर्न अराउंड का, जैसे मैंने आपको 7 अक्टूबर बताया और 18 अक्टूबर बताया, तो ये कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे अपना जो कोर्स आपको करना है उसमें आप ईमेल कर दो, मैं आपको उस हिसाब से डिटेल्स बता दूंगा कोर्सेज की। तो चलिए अब वापस चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो आवरली में देखिए, अगर आपको अगर लग रहा है कि ये मतलब आवरली में इतना डिस्टिंक्टिवली क्लियर नहीं है, डेली में ज्यादा डिस्टिंक्टिवली क्लियर लग रहा है कि जैसे कोई डबल बॉटम बना है डेली में, आवरली में नहीं, आवरली में तो क्लियर पता चल रहा है लोअर लो है, लोअर लो यहाँ से, और सॉलिड प्रेशर, ये हमने यहाँ लोअर हाई देखा कंपेरेटिव पूरा मूव का, और वापस वहां से अच्छा शार्प रिवर्सल देखने को मिला कल। तो अब आगे का आवरली का रेजिस्टेंस है 24,950 के पास, फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ जाएगा 25,100, और फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा है 24,250 के इर्द गिर्द में। उसके बाद सीधा ये लेवल 450 का है और फिर तो ये गैप एरियाज है, बट इस लेवल्स तक पहुंचना इतना इजी नहीं होने वाला है निफ्टी के लिए, इतना इजी नहीं होगा। इट विल बहुत माना, क्योंकि हर लेवल में हमने जबरदस्त सेलिंग देखा और बहुत सारे जो डेरिवेटिव डेटा ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स का हमें बता रहा है कि बहुत क्लाइंट्स हायर लेवल पर लॉन्ग में ट्रैप्ड है, और साथ में एफआईआई ने बहुत सारा लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट्स भी किया है इंडेक्स में। सो ये रिकवरी में इतनी इजी नहीं होने वाली है। माना कि अगर आपको लगता है सुपर ग्रीन कैंडल्स डेली 500-600 पॉइंट का रैली मिल जाएगा तो मुश्किल है, हो सकता है डेफिनेटली, अगर हो तो बढ़िया ही है, बट इतना इजी नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 25,200 तक अपसाइड मूव, स्लोली स्लोली ही कुछ होगा, बिकॉज ये लेवल में हमने देखा कि अपसाइड इतना इजी नहीं था। बट एक चीज का जो डिफरेंस जो मुझे लग रहा है इस बार होगा, इस जो जो मेरी प्रोजेक्शन है जिसमें मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट इचिमोकू डेट की, कि इस बार इतना भी स्लगिश नहीं होगा, इतना साइडवेज, थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा पॉजिटिव होगा पहला नेक्स्ट इचिमोकू डेट तक मेरे रीडिंग में। दूसरा पुल बैक्स जो हमने ये वाला देखा और ये वाला देखा कम होने वाले हैं आगे वाले दिनों में, जब तक नेक्स्ट, सो ज्यादा वन वे मूव होगा, बट लेंथ ऑफ कैंडल जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये वाले ग्रीन कैंडल, उतने बड़े ग्रीन कैंडल मुझे नहीं दिख रहे। स्लो एंड स्टेडी मूव होगा जैसे हमने यहाँ देखा, स्लो एंड स्टेडी मूव बट विथ लेस पुल बैक, याद रखिए लेस पुल बैक, लेस पुल बैक वाला सिनेरियो ये माइंड में रखिएगा। इसमें ये मेरी रीडिंग है, मैं एकदम रॉन्ग भी हो सकता हूँ उस बात को लेकर। सपोर्ट क्या है आवरली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में सपोर्ट फिलहाल
24,725 और 50 के बीच में, ये लक्ष्मण रेखा है लॉन्ग्स के लिए। इसके नीचे सस्टेन होना मतलब जो हमारा 7 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के डेट्स हैं ट्रबल में आ जाएंगे और हमें फिर फियर सेलिंग प्रेशर मार्केट में मिल सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं लॉन्ग जाता हूँ मार्केट में इंट्राडे भी पोजिशनल कुछ भी कैसे भी ले लीजिए फॉर स्टॉक्स या इंडेक्स 725 आवरली बेसिस में फिलहाल खड़ा है, नॉट डेली। अब मैं आवरली में आ गया हूँ एज रिस्क मैनेजमेंट कि अगर मुझे लॉन्ग जाना है इस मार्केट में। तो चलिए एक बार हम अभी 15 मिनट का भी चेक कर लेते हैं असेसमेंट। तो 15 मिनट का मेन पर्पस होगा मंडे को समझने के लिए, मंडे क्या हो सकता है मैक्स ट्यूसडे मॉर्निंग का। तो अगर समझिए मार्केट कोई एंगल से नेगेटिव रिएक्ट करता है ग्लोबल क्यूज के कारण या कुछ, तो यही लेवल 725 का इचिमोकू का बेस लाइन है इधर पर, वो एक सॉलिड सपोर्ट बेस दिखा रहा है फिलहाल के लिए। ये लेवल कोशिश करेगी इसको फर्दर डिक्लाइन होने से, अगर कोई डिक्लाइन हमें दिखा नहीं होल्ड किया तो राम भरोसे लॉन्ग्स का माल इस समय। रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो एकदम सिंपल सा रेजिस्टेंस है 15 मिनट का। यहाँ आप देखिए क्या हुआ था, ये एक बार रोका, दूसरी बार रोका और तीसरी बार गिरा, राइट। उसके बाद डाउनवर्ड मूव आया। तो ये जो लेवल है 925 950 का, इतना इजी नहीं है कॉन्कर करना इसको। अगर ये कॉन्कर समझे मंडे सुबह गैप अप के संग मार्केट खुलता है और इसको कॉन्कर करता है तो पहला आधा घंटा उसके ऊपर सस्टेन होने देना बहुत जरूरी होगा। नहीं करता है अगर सस्टेन उसके ऊपर बाय चांस एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हमें मिलती है अगर मंडे मॉर्निंग इधर जाता है मार्केट, तो वो फिर कोशिश करेगा वापस एक बार 800 को वापस आने का। पर अगर समझिए सॉफ्ट ओपनिंग है, क्वाइट ओपनिंग है, फ्लैटिश ओपनिंग है, तो वो कोशिश करेगा इसको फिर ऊपर निकालने का और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,050, 25,200 ये वाले लेवल्स पर नेक्स्ट पॉज आ सकता है। बट लाइक मैंने कहा आपको, मुझे मेरी जो रीडिंग है कि नेक्स्ट इचिमोकू डेट तक पुल बैक्स छोटे होंगे या साइडवेज होगा, डीपर पुल बैक्स नहीं देखने को मिलेंगे। वोलेटिलिटी नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से कम रहने वाली है, मार्केट ज्यादा स्मूथ क्वाइट रहेगा, स्मूथ नहीं बोलूंगा क्वाइट रहेगा विथ बुलिश बायर्स मेरी रीडिंग है फिलहाल नेक्स्ट इचिमोकू टर्न डेट के हिसाब से। तो चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पर एसेस करते हैं उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट और रेज दोनों, और साथ में नेक्स्ट इचिमोकू डेट। तो निफ्टी डेली में जो मैंने बताया आपको आवरली के हिसाब से 725 नहीं होल्ड करता है तो बोरिया बिस्तर पकड़ के भाग जाओ लॉन्ग्स, ऐसी सिनेरियो मेरी रीडिंग हुआ है। पॉज हो सकता है छोटा सा 675 पर अगर आवरली नहीं होल्ड किया, 675 पर एक पॉज हो सकता है और फिर बट उसके बाद जो डिक्लाइन है वो एकदम ग्राइंडिंग टाइप की डिक्लाइन हो जाएगी जिसमें आप सिर्फ और आप और मैं सिर्फ ये आशा में रह जाएंगे कि चलो यहाँ से बाउंस आएगा, चलो थोड़ा ऊपर आएगा, जो लॉन्ग्स है ट्रैप्ड है वो निकलेंगे, या जिनको जिन्होंने शॉर्ट नहीं किया इस मार्केट में वो उस आशा में रहेंगे कि बाउंस पर शॉर्ट करूंगा। तो वो उस टाइप का मार्केट माहौल नहीं बनेगा फिर, अगर फिर नेक्स्ट स्टॉप 675 500 इचिमोकू के हिसाब से और फिर ये गैप एरिया हम बात कर रहे हैं 24,200 का, उस टाइप का बन सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया मेरा थोड़ा बायस इस समय इस वीक कमिंग वीक के लिए थोड़ा बुलिश है, तो उस हिसाब से जो वीकली बुलिश है, ओवरऑल नहीं बता रहा हूं मैं आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है वो वही 24,950 का है, इचिमोकू का क्लाउड का अपर साइड है इधर में। और बिकॉज हमने आवरली में भी 15 मिनट में भी और डेली में भी ये रेजिस्टेंस देखा है तो इधर थोड़ा सावधान, उसके सामने में पहले उसके ऊपर सस्टेन होने देना है फिर कंटिन्यू करना है इसको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस डेली का 25,275 200 और फिर जो मैंने बताया था आपको आवरली में 475 वो है ये इचिमोकू का बेसलाइन, जो अगर न्यू लो प्रिंट नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू लो अगर प्रिंट नहीं होता है तो ये यहाँ इचिमोकू का बेसलाइन टोटली फ्लैट हो जाता है, टोटली फ्लैट। तो नया नेक्स्ट बड़ा वॉल वो बन जाता है
हमारे सामने में। तो अब मैं बताता हूँ आपको मेरे जो रीडिंग में मैंने आपको बताया था 7 अक्टूबर और 18 अक्टूबर का डेट, अब नेक्स्ट डेट आ रहा है हमारा 25 अक्टूबर का, यानी कि कमिंग फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो नेक्स्ट इचिमोकू का डेट है, जिसके हिसाब मेरे हिसाब से तब तक ये डाउनवर्ड प्रेशर में नहीं रहेगा, अब थोड़ा सा अपवर्ड स्मूथ मूव हमें दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है? अगर इचिमोकू का बेसलाइन के ऊपर निकल जाए तो शायद ये गैप एरिया भी कवर कर ले हमारे लिए, या ये भी चला जाए, वो हम बाद में असेस करेंगे। फिलहाल हम लेवल्स वाइज अगर देख ले तो वापस रिपीट करता हूँ आपके लिए, 24,950 पहला वाला बड़ा वॉल है उसके, इसको आप समझ लीजिए एवरेस्ट का बेस कैंप है ये। फिर आता है हमारा 25,200 और फिर आ रहा है 25,425, आप बोल सकते हो हिमालय की ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट हमारे सामने जो वॉल्स खड़े। तब तब आप शायद इसको एक असेस कर सकोगे कि यस ये एक लेफ्ट शोल्डर था, ये एक हेड हुआ, ये जो बाउंस है हमारा यहाँ पर शायद ये तब एक राइट शोल्डर बन जाए, ये पूरा हमारा नेकलाइन, बिकॉज ये जो बाउंस आई थी जिस पर मैंने सोशल मीडिया में बहुत लोगों को बोला देखते कि ये एक हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर में एक बात जो मेरी एक्सपीरियंस मुझे बताती है कि जो शोल्डर फॉर्मेशन होते हैं वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करता है, खास करके राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर आपका जल्दी बन जाएगा, उस पर कोई डाउट नहीं है, लेफ्ट शोल्डर इस पर मैं डाउट नहीं करता हूँ, बट राइट शोल्डर मेरे एक्सपीरियंस में बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर देख लीजिए या बेरिश हेड एंड शोल्डर देख लीजिए, आप जितने भी आपने ट्रेड्स किए होंगे हेड एंड शोल्डर के, आपके पास अगर रिकॉर्ड है या आपने किसी का देखा हो तो नोटिस करिएगा राइट शोल्डर हमेशा ज्यादा टाइम लेता है। उसका एक सिंपल लॉजिक है कि मार्केट ये स्ट्रक्चर होता है एक हेड एंड शोल्डर, राइट, ये वाला स्ट्रक्चर, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो मार्केट ये जो एरिया है, ये बुलिश वाला और ये जो बेरिश वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, यहाँ इस स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इस ट्रेड में अक्यूमुलेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज है ये, और कंसोलिडेशन जो हमेशा होता है वो एकदम शांति से किया जाता है, बिना कोई ड्रामा, बिना कोई हल्ला, बिना कोई न्यूज, वैसे शांति से किया जाता है ताकि स्मार्ट मनी अपना माल या तो अक्यूमुलेट करे या डिस्ट्रीब्यूट करे उस एरिया में। जल्दी जल्दी वो नहीं होता है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल से सोचिए कि ये एक बड़ा एरिया है जहाँ स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन को वॉल्यूम होता है उनके पास, वो वॉल्यूम को प्यार से देना चाहते हैं या प्यार से एकदम शांति से बिना कोई अलार्म बेल रेज किए, बिना ओआई को इम्पैक्ट किए करना चाहते हैं ओपन इंटरेस्ट को। लॉजिक वो है, आपको और कोई भी लॉजिक अगर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए उस लॉजिक को कि आपके कारण से क्यों होता है वैसा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें। एंड में एक ही बात बोलूंगा कि ये कमिंग वीक मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूँ, बुलिश नहीं हूँ, बुलिश भी अगर मैं अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा, पर बेरिश नहीं रहूंगा इस मार्केट में एक हफ्ता के लिए, क्योंकि 725 जब तक है, 24,725 टाइगर जिंदा है तब तक, शायद कोमा में चला गया हो इस फॉल में वो दूसरी बात है, बट बेरिश फिलहाल नहीं, अपॉर्चुनिटी खोजूंगा नेक्स्ट फ्राइडे तक, देखते हैं कैसे मार्केट का सिनेरियो बनता है और फिर रिव्यू करेंगे कि आगे वाले दिनों में क्या लगता है मार्केट हमको इस लेवल से। याद रखिएगा बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है टर्न अराउंड का नीचे से, जिसमें अभी तक एफआईआई सब बेरिश रहे, जितना भी डेटा हमने एफआईआई का आप अगर लास्ट 2-3 दिन का चेक कर लो, कल खास करके कल का चेक करिएगा कि अगर उसमें अगर एफआईआई ने कुछ शॉर्ट कवरिंग की है तो जाके आप फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट चेक कर लीजिए बैंक बैंकिंग स्टॉक्स में क्या था, और एट द सेम टाइम लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर हुआ है एफआईआई का फ्राइडे को तो जाके चेक करिए आईटी में था क्या ये लॉन्ग अनवाइंडिंग उनका। क्लियर सिग्नल्स डेवलप हो रहे हैं ये, और ये जो मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी की बता रहा हूँ ये 1-2 दिन की बात नहीं होने वाली है, ये फिर हम एक लंबा फेज शायद उधर में देख सकते हैं टर्न दोनों साइड का, विच इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, महीना, 2 महीना, 3 महीना, शायद 6 महीना भी उस टाइप का सिनेरियो बन सकता है।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति, और हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग।